Yesterday we talked about the postural deformities. क्या होती हैं? Deformity का मतलब है हमारे posture में जब कोई खराबी आ जाती है, हमारे शरीर की या structure को change करने में कुछ चीज जो है वो natural है और कुछ हमारे द्वारा ही किया जाता है हमारे posture को खराब करने में, हम खुद ही जो है responsible हैं। कल हमने किया था नॉक नीज के बारे में, ठीक है ना बेटा? नॉक नीज के बारे में कल हमने किया था। इसमें आपको बताया था कि नॉर्मली जो है वो बच्चों की पैर की शेप, पैर की नहीं रादर थाई से इनवर्ड की तरफ होने के कारण नीज जो है वो आपस में या टकराते हैं या ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना? यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो शेप का इस तरीके से हो जाता है जिससे ये आपस में टकराते हैं, जिससे रनिंग वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है। कोई एक्टिविटीज जो है सिटिंग वगैरह तो वो कर सकते हैं, रनिंग एक्टिविटी या किसी एक्टिविटी में पार्ट लेते हुए इन्हें हिंड्रेंस या ऑब्स्टिकल आते हैं। इसके कारण बताए थे मैंने कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस दैट दे आर नॉट फिजिकली जो है वो एक्टिविटी करने में इन्हें प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना? यस, बिफोर दैट ईशान, मयंक, शशांक, अमितोष, गितेश, पेपर नहीं दिया है तो आज करके दो। समझ में आया? मुझे पेपर चाहिए है। Now today we will discuss about a flat foot. अब ये क्या चीज है बेटा? नॉर्मली हमारे जो पैर हैं उनमें आर्क होता है, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे आर्क बना है। अगर आपने अपने जूते कभी देखे हो, ठीक है, जूतों में हमेशा आर्क अंदर की तरफ होता है, ठीक है? दैट इज वाई, बिकॉज वो पार्ट थोड़ा सा ऊंचाई पर होता है और ये हमारी वॉकिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब इसका रीजन है कि फ्लैट फुट क्यों होता है या इसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि बेटा ड्यूरिंग चाइल्डहुड जब बच्चा चलना शुरू होता है तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू चेक। अब वो चेक कैसे किया जाता है बेटा, ठीक है? इसे कैसे हम चेक कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो फ्लैट फुट है या नहीं है? तो उसके बहुत सारे रीजन है। हमने अगर आम देखा हो तो सुबह जब हम नहा कर निकलते हैं हमारे पैर गीले होते हैं, अगर हम उसे फर्श पे रखें तो हमें आराम से पता चल जाता है, या कोई भी लिक्विड चीज के साथ हमें आसानी से इस चीज का पता चल जाता है कि हमारे फुट जो है वो फ्लैट है या नहीं है, ठीक है? आसानी से इस चीज की शेप का पता चल जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फुट में कर्व है या नहीं है। मेन रीजन क्या होता है? बिल्कुल जमीन के साथ रखने से हमारी मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं, जिसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। हमारी वॉकिंग वे जो है वो चेंज हो जाता है। What is the reason behind it? Causes जो हैं maximum same है almost deformities के, एक तो एक दूसरे से अलग है। जैसे हमने कल knock knees के लिए discuss किया था hereditary, hereditary in the sense during the birth time या before birth during pregnancy mother जब check नहीं करते, अपनी diet नहीं लेते, लेकिन foot को तो वहाँ या knock knees को नहीं check किया जा सकता। लेकिन reason क्या होता है? हमारे कई बार कमी होती है, हम जो डाइट नहीं लेते प्रॉपर, इंटेलेक्चुअल मेंटल, ये रिटार्डेशन या ऐसी डिफॉर्मिटीज के कुछ कॉसेस ये भी होते हैं। दूसरा है एनवायरनमेंट, हेरिडिटरी में जीन्स के थ्रू नहीं है हम कहेंगे, ये आउटर है जैसे पेरेंट्स के या हमारे ध्यान नहीं देने के कारण ये चीजें आती हैं। फिर बच्चे को उसके अपनी अर्ली स्टेज में ही उसे चलाना बिठाना या खुशी होना कि हमारा बच्चा चल रहा है और उस टाइम पर
रीजन ये होता है कि हम ये चेक नहीं करते कि वीक होने के कारण या उस टाइम इतनी मेच्योर हमारी मसल्स वगैरह जो है वो इतनी डेवलप नहीं होती और हम इस कॉज में आ जाते हैं। ठीक है ना बेटा। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, फैशन है जैसे, फैशन भी वन ऑफ द रीजन, फूड जो है, इसलिए हमें इसे ठीक शुरू में करने के लिए हमेशा बच्चे को रेत में चलाना चाहिए। रेत जो है ना उसमें चलने से क्या होगा, कर्व जो है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम वाटर बॉटल्स जो होती है ना गोल वाली, बिल्कुल गोल, पानी भर के उन्हें फ्रिज में रख देते हैं और बर्फ जमने के बाद उसको पैर के ऊपर उस पर रोल करवाते हैं। वो क्यों रोल करवाते हैं बेटे, ताकि कर्व जो है वो धीरे धीरे बन जाए ड्यूरिंग, वाई, बिकॉज इन द अर्ली स्टेज मसल्स आर क्वाइट सॉफ्ट, उसको जैसी फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे इजली दे सकते हैं। ठीक है ना बेटा। इस चीज का हमें प्रॉपर बच्चे को स्टार्टिंग से ही प्रॉपर सोल और कर्व वाले शूज पहनाने बहुत ही जरूरी होते हैं। उसके वॉकिंग की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ये करेक्टिविटीज हैं। और कॉजेज या सिम्टम्स क्या है, नॉर्मली विटामिन डी की कमी होनी, ओवरवेट होना, अर्ली स्टेज पे चला देना, डाइट प्रॉपर नहीं लेना, बच्चे की प्रॉपर डाइट का केयर नहीं करना, उसके वो रीजन होते हैं फ्लैट फुट के। ठीक है। थर्ड है अब हमारे पास डिफॉर्मिटी, वो है हमारी बॉल लेग। वर्ड बो क्या क्या मतलब होता है, कमान, तीर कमान की कमान जो होती है उसे बो कहते हैं ना, या बेंड होके हम जब करते हैं किसी को हम, इसमें क्या होता है, लेग्स की शेप इसमें इनवर्ड होती है थाई से, इसमें आउटवर्ड की तरफ, जैसे कॉलम है ना, क्या होता है लेग्स हमारी बाहर की तरफ आनी, घुटनों से हमारी बाहर की तरफ होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण सी जो है दो सी बन जाते हैं दोनों साइड। ठीक है ना। ये है यहाँ पर हमारे पैर है मान लो, ठीक है ना, ये है अपर हमारी बॉडी है। तो हमारे लेग्स की शेप जो है वो इस तरीके की हो जाती है। ठीक है। इसमें भी अब चलने की भी मुश्किल है, दौड़ने की भी मुश्किल है, लुक की भी मुश्किल है, कपड़े जो पहनने हैं उसकी फॉर्मेशन की भी हमारी डिफरेंट होगी। ये चीजें क्या है, मैंने जैसे बताया कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी में जो ड्रॉबैक है वो नॉर्मली हमें क्या करें, हमारी अपेरेंस को अच्छा नहीं रखते, जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, वर्किंग कैपेसिटी जो है हमारी, एफिशिएंसी जो है वो सारी डाउन हो जाती है। अब ये चीज अगर हम अर्ली स्टेज में देख लेते हैं तो नॉर्मली क्या किया जाता है बेटे, पिलो रख के और उसके बाद बच्चे के लेग्स को बांध दिया जाता है, ताकि वो थोड़ी थोड़ी इनवर्ड, पूरी एक्सटेंड तक तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें क्या हो जाता है, काफी चेंजेस आती हैं। अगर आपने अर्ली, अभी का मुझे नहीं पता, अगर आपने अपने दादा दादी मम्मा को देखा हो या मम्मा को देखा हो, तो छोटे होते आपको उन्होंने क्या करते थे, उसका रीजन, साइंटिफिक रीजन यह था कि बच्चे को नहलाकर उसकी मसाज करने के बाद उसे पूरे को लपेट देते थे, बच्चे को उसके हैंड्स में इनर, और उसके बाद उसे थोड़ी देर बाद खोल देते थे। दो रीजन हो जाते थे, एक तो सर्कुलेशन फास्ट हो जाती थी, दूसरी चीज जहां पर थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी होती थी वो अपने आप करेक्ट हो जाती थी। ठीक है ना बेटा, इस बात को समझ लेना कि उसकी डिफॉर्मिटी जो है वो भी अपने आप ठीक हो जाती थी। अगर आप पूछेंगे तो मदर्स नॉर्मली या हमारे दादी मामा या नानी मामा जो ओल्ड हैं वो यही करते थे, बच्चे की पहले पैसिफिक मसाज, मतलब जो है वो पैसिव रीजन है, वो खुद मूवमेंट नहीं करता, उसके बाद उसे अच्छी तरह नहलाकर उसे बांध दिया जाता था, बच्चे की नींद भी अच्छी रहती थी जिससे उसे रेस्ट मिलता था, उसकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता था। दूसरी चीज यह होती थी, अगर कहीं पर थोड़ी बहुत फॉर्मेशन की डिफॉर्मिटी होती थी तो वो भी करेक्ट हो जाती थी। ठीक है बेटा। नॉकनूज है, फ्लैट फुट है, बॉल लेग्स है, उसके बाद स्पाइनल जो है या कर्वेचर की उसमें आती है, ये अलग है, वैसे हम तीन इसको लेते हैं, इसमें आती है पहली काइफोटिक,
या काइफोसिस बोलते हैं, काइफोसिस से रिलेटेड जो होते हैं वो काइफेटिक प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है बेटे, हमारे स्पाइन जो है वो हमेशा, वैसे तो दिस इज द शेप, बैकबोन जो है उसकी शेप जो है हमारी स्ट्रेट है, लेकिन जब हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जब हमारी डाइट ठीक नहीं होती है, कुछ हमें अपने बुजुर्गों से मिलती है, हेरिडिटी होती है, इनहेरिटेंस होती है, ये चीजें क्या करती हैं, इसकी फॉर्मेशन को चेंज करने में बहुत हेल्पफुल होती है। कई बार ओवरवेट होने के कारण, हैवी चीजों को बैक में लेने के कारण, आपने नॉर्मली देखा होगा जो हिल्स पर या पहाड़ों पर रहने वाले हैं वो अपने पीछे ही भार उठाकर आगे की तरफ चलते हैं। अब काइफोटिक में क्या होता है, नॉर्मली स्पाइन की शेप ये हो जाती है, ऊपर से थोड़ा सा बेंड हो जाता है, हमारा थोरिक रीजन जो है ये हानो हो जाता है, यानी कि आगे से हमारी चेस्ट जो है वो पीछे की तरफ चली जाती है थोड़ी सी, क्योंकि फॉर्म ऐसे हो गई और हम नहीं होते। समझ में आ गया बेटा, कितनी बात समझ में आ गई? दूसरा है लर्डोसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन हमारी ऐसी हो जाती है, पंजाबी में हम कहते हैं लाला जी आ रहे हैं, क्योंकि उनका लगता है हमें टमी जो है या बैली जो है वो बहुत आगे को होती है, जिसके कारण उनका लोअर पोर्शन बैक का ये हॉलो हो जाता है, आगे को झुकेंगे तो पीछे की तरफ खाली सा रहेगा ना बेटा, ये नॉर्मली इसके भी रीजन यही है। नॉर्मली जो बोन्स के या इनकी डिफॉर्मिटीज के हैं वो मैक्सिमम कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, डिपेंड अपॉन अ डाइट, ओवरवेट, ओबेसिटी, हेरिडिटी, एनवायरमेंटल, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करने से, और अबव ऑल हम जो करते हैं वो है फैशन। ये सारी चीजें इनमें इंक्लूड होती हैं, जहां पर हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब करने में खुद ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट हम ले लेते हैं, उसके बाद है हमारे पास राउंड शेप, राउंड शोल्डर। इसमें क्या होता है, कर्व ऐसे हो जाते हैं, अब ये क्या है, कई बच्चों को आते थे यस मैम कुछ भी करना है, आगे को झुक जाना, गर्दन को आगे को झुका लेना, और इनसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है बेटे, हमारी एफिशिएंसी जहां पर खत्म होती है, हमारा स्ट्रेस ऑफ मसल्स जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, थकान जो है वो हमें ज्यादा रहती है, क्योंकि जब हम कहीं पर भी व्हेन वी ट्राई फॉर अ फ्यू मिनट्स हमसे उस तरीके से काम नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर वैसे बना ही नहीं हुआ, हमने उसकी शेप को खराब कर लिया है, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर जो है वो पुअर हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है स्कॉमोसिस, इसमें क्या होता है, वैसे तो नॉर्मली ये स्पाइन की ही शेप अलग अलग होती है हर जगह पर, इसमें क्या होता है, स्पाइन की शेप जब चेंज होती है तो सारा स्ट्रक्चर बदल जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक शोल्डर अप होता है लोगों का और एक शोल्डर डाउन होता है, उसकी शेप बन जाती है एस, देखो ना, एक ऊपर को हो गया, एक नीचे को हो गया, एस से इजी हो गया याद करने के लिए, स्कॉलेसिस में एस शेप में बन जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट रहती है। अब इसमें क्या रीजन होता है बेटे, जब हमारी लेग्स की लेंथ जो है, कई बार आर्म जो है आदत भी होती है, कई बार लेग्स में फर्क होने के कारण कईयों की थोड़ी स्लाइट सी चेंज होती है शेप में या लेंथ में फर्क होता है, आर्म
वो इंसान चलता तो अपनी तरफ से स्ट्रेट है, पर स्पाइन भी थोड़े से बेंड होने के कारण, ठीक है ना, शेप जो है वो हमारी एस की तरह बन जाती है। ठीक है, रूटीन में भी हम ऐसे ही काम करते हैं, या क्या होता है वन साइड पर हम सामान को उठाकर चलते हैं, कई बच्चों को आदत होती है ना, या कई लोगों को, नॉट बच्चों को ही ओनली, कि बैग जो है वो वन साइड पर रखते ही चलते हैं, वो धीरे धीरे उसके वेट के साथ हमें पता भी नहीं चलता और हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस आने शुरू हो जाते। ठीक है ना बेटा, इसलिए हमें जब भी हम शूज लें, जब भी हम क्लोथ्स लें, जब भी हम कैरी करने के लिए बैग्स लें या नॉर्मली डाइट लें, वी शुड कीप इन अवर माइंड रिगार्डिंग दिस, कि ये सब चीजें हेल्पफुल हैं हमारे स्ट्रक्चर को बिगाड़ने में, हमारे पोस्चर को या हमें गुड अपीयरेंस देने में ये हेल्पफुल नहीं है, रादर ये हमें क्या करते हैं, अवे करते हैं गुड लुकिंग से। सिर्फ फेस को नहीं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वही हमारे हेल्पफुल होती हैं वर्क की एफिशिएंसी में, मैक्सिमम आउटपुट देने में, इन चीज़ों में ये हेल्पफुल होते हैं। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी बॉडी का, सेहत का, फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, इनमें कई योगा तभी आपको कहा जाता है ना, फिजिकल एक्टिविटीज या योगा करो, क्योंकि योगा एट मैक्सिमम एक्सटेंट, यू कैन से 90-95% ऑफ क्यूरेविटी जो है या करेक्टिविटी जो है वो ठीक हो जाती है, अगर हम उसका डेली उसे करें, प्रैक्टिस में लाए या रेगुलरिटी हो। ऐसे ही फिजिकल एक्टिविटीज करने से है कि हम कौन कौन से योगा के वो पार्ट करें जिससे हमारी जो है बॉडी की मसल्स की अच्छी ग्रोथ हो सके और हमारी पोस्टरल डिफॉर्मिटी कहीं पर भी ना। कितनी बात समझ में आ गई बेटा, इज इट क्लियर टू यू ऑल? हमारे पास नॉकनी है, फ्लैट फुट है, बो लेग्स हैं, काइफोसिस है जिसे मैंने काइफोटिक लिखा हुआ है, ठीक है, लोडोसिस है, राउंड शोल्डर्स है, स्कोलियोसिस। अगर हम कहते हैं स्पाइनल की तो ये लिखती है नॉर्मली, अगर आता है पोस्टरल डिफॉर्मिटी तो फिर हम चाहे ये सारी, लेकिन अगर स्पेशल क्वेश्चन ही आता है रिगार्डिंग द हमें स्पाइनल की चाहिए है, कर्वेचर की चाहिए, तो फिर हमने इनके नाम ये चार आएंगे, फिर ये नहीं आएंगे। अगर डिफॉर्मिटी वैसे पूछते हैं पोस्टरल डिफॉर्मिटी तो इनको भी, इतनी बात करते समझ में आ गई है सबके? इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ फॉर वन मिनट, अमितोज अनम्यूट योरसेल्फ, अमितोज, शशांक यू ऑल्सो अनम्यूट योरसेल्फ, ईशान, अमनप्रीत, कल टेस्ट नहीं दिया है, आज देना है आपने, इज इट क्लियर? एंड बी रेगुलर टू द क्लास, प्रोजेक्ट फाइल बना, सॉरी पहले तो प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करो, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट फाइल की तरफ जाएंगे। अब थोड़ी सी डिस्कशन है नॉर्मल, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में जो आपका है दैट इज रिलेटेड टू दैट, ठीक है? ओलंपिक्स देख रहे हो, शुरू हो चुकी हैं 23 से, देखी हैं मैचेस देख रहे हो, या जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें नोट कर रहे हो कि किसमें गोल्ड मिला है, किसमें सिल्वर मिला है, किसमें क्वालिफाई हुए हैं, किसमें एंट्री हुई है हमारी क्वार्टर फाइनल में, या क्या है अभी तक जितने भी प्राइजेस आए हैं वो विमेन के आए हैं, चाहे वो, ठीक है ना, दो आए हैं, तीसरा क्वार्टर फाइनल में एंटर कर गई है विमेन, ठीक है ना, पीवी संधू का जो कल मैच हमने सुबह देखा है, प्लीज वॉच दिस, ठीक है, ये स्पोर्ट्स के जो आ रहे हैं इसे वॉच भी करो, फोटोग्राफ्स की भी कटिंग करो, ठीक है ना बेटे, हमने प्रोजेक्ट फाइल जो आपको देनी है इन चीजों की जरूरत होगी तुम्हें बाद में, अभी ही फाइल बनानी साथ के साथ शुरू कर लो, इट विल टेक हार्डली 5-10 minutes फॉर यू टू कट द एंड पेस्ट द पिक्चर एंड राइट अबाउट दैट ऑन द नेक्स्ट पेज, नहीं तो बाद में कटिंग अगर हो भी गई तो
तो ये समझ नहीं आया कि कैप्शन किसके साथ कौन सा लगाना है, कौन से पेज का था। अपने आप जो जो रिजल्ट आते जा रहे हैं उनके बारे में आप आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी फोटोग्राफ्स आ रही हैं, नेट पर भी है इंफॉर्मेशन पूरी, यू विल गेट दैट वेरी इजली, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन यही कंडीशन अगर आप बाद में करोगे तो फिर आप बोलते हैं मैडम हम सारी रात जाग कर ये आंसर दे रहे थे या ऐसे बना रहे थे, दैट्स नॉट द फॉल्ट बिकॉज वी आर गिविंग यू मोर देन सफिशियंट टाइम फॉर दिस। हम तुम्हें इसके लिए सफिशियंट टाइम दे चुके हैं और दे रहे हैं, इसलिए फाइल्स कंप्लीट कर लो। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि बाहर से ही आने क्वेश्चन और आंसर्स भी चेकिंग के लिए बाहर ही जाने। नाउ द टॉपिक इज स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट। ठीक है, आजकल तो हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन अगर हम अपनी बैक हिस्ट्री देखें या पहले देखें तो क्या था कि लेस पार्टिसिपेशन ऑफ, स्टिल परसेंटेज काफ़ी कम है लेकिन फिर भी चल रहा है इस तरफ अभियान, और लेडीज जो हैं या वुमेन्स जो हैं या फीमेल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ, दे आर शोइंग देयर रादर दे हैड इंटरेस्ट बट दे वर नॉट परमिटेड बाय द फैमिली और बाय द सोसाइटी। अगर हमने ओलंपिक का पढ़ा हो, एंशिएंट ओलंपिक का, तो हमें पता है कि उसमें वीमेंस को अलाउ ही नहीं किया जाता था कि वो पार्टिसिपेट भी करें या उसे देखें भी गेम्स को, बिकॉज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने के कारण ये माइंड में था सिर्फ हर एक के कि लेडीज आर फॉर टू स्टे एट होम एंड डू द हाउस होल्ड जॉब्स। ठीक है ना, घर के काम करने के लिए। धीरे धीरे समय बदला, ठीक है ना, 1916 में फिर परमिट हुए कि चलो वीमेन्स को भी स्पोर्ट्स में या उन्हें भी अपनी जो कला है या इंटरेस्ट है उसको शो करने के लिए उन्हें हेल्पफुल किया। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स वर देयर, व्हाट वर द कॉजेस और द रीजंस। पहला है मेल डोमिनेटिंग, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, ठीक है, गर्ल्स के लिए सेफ्टी नहीं माना जाता। हमने अगर पिक्चर मूवी देखे थे ना चक दे इंडिया, जिसमें हॉकी का, यू माइट हैव सीन कि वो मैच खिलाते हैं बॉयज के साथ, ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल, और जिसने सेलेक्ट करना था वो कमेटी के हेड ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, एंड दे वर मेकिंग अ फन कि दे विल गो फॉर द गेम्स, दे आर ओनली फॉर द हाउस होल्ड। ठीक है ना, यह हमने नॉर्मली देखा है इस चीज को, सपोर्टिव नहीं होना। इक्विपमेंट्स वगैरह अगर परचेज करने हैं तो क्वेश्चन आ जाता है कितना खर्चा होगा एजुकेशन के लिए। भी आम घरों में अभी भी ये चीजें बहुत ज्यादा है कि इसके लिए तो क्या करना, क्योंकि इसने अपने घर चले जाना है, वहां जाकर ही ये जो भी अपनी हॉबीज हैं या उसको इंटरेस्ट है उसको डेवलप करेगी, एंड देयर शी इज नॉट परमिसेबल। दूसरी बात है हमारी सोसाइटी जहां पर सेफ नहीं है गर्ल्स, ठीक है ना। गर्ल्स क्यों नहीं सेफ है, रीजन ये नहीं है कि हमारी सोसाइटी, वी आर द ओनली जो अपने बच्चों को या बॉयज को भी उतना समझाएं। इसके बारे में बहुत डिबेट डेक्लेमेशंस भी आते हैं कि रादर देन टू टीच योर चिल्ड्रन गर्ल, टीच देम प्रॉपरली बॉयज और गर्ल्स को, और उनकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। कोचेस जो हैं वो, जो लेडीज कोचेस हैं वो कहाँ हैं, क्योंकि जब उन्हें पार्टिसिपेट ही नहीं कराया जाता था तो उनका जो है कोचेस का होना कम, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। एरा जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है इसमें काफ़ी चेंजेस आ रही हैं,
और उसका हम रिजल्ट अब देख सकते हैं। जैसे कि ओलंपिक में एट प्रेजेंट टिल दिस टाइम कि हमारे जो बच्चियां हैं उन्होंने प्राइजेस लिए हैं। कल नो डाउट मैरी कॉम का जो था वो अच्छी परफॉर्मेंस होने के कारण पर भी वो नहीं कर पाए, बट एफर्ट्स वर देयर, ठीक है ना। ट्राई एफर्ट्स ये होने बहुत ही जरूरी हैं। सो लर्न देयर फीलिंग्स, लेट देम बी इन अ स्पेस कि वो चाहे किसी भी स्पेस में है वहां पर उसे जगह मिलनी चाहिए। नौकरी करने के लिए जैसे पहले परमिट नहीं करते थे फिर करना शुरू किया, ठीक है ना। उसके बाद उन्हें गेम्स में हर चीज में, इवन द पेरेंट्स आर क्वाइट इंटरेस्टेड टू सेंड देयर डॉटर्स फॉर द डिफरेंट गेम्स। डाइट का उनका ध्यान रखना, नहीं तो हम आम पुरानी एड्स जो देखते हैं उसमें चेंजेस हम जरूर देखते हैं। तभी आता है कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, ठीक है ना। या बेटियों को स्पोर्ट्स में ये सारी चीजें बार बार दिखाने का क्या मतलब है, या टीवी पर या इस पर स्पॉन्सर करने का क्या मेन मतलब है कि चेंज योर थॉट प्रोसेस, थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड किया जाए और बच्चियों को भी वो